सुप्रीम कोर्ट में गुर्दों की गैरकानूनी फरोख्त से मुतालिक इस्लामाबाद पुलिस ने रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत के अलावा कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में भी ये घनौना कारोबार जारी है। पंजाब के कई ऐसे गांव हैं जहां लोगों का एक गुर्दा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, आजा की गैरकानूनी पैवंदकारी मुआशरे का बड़ा नासूर है। गुर्दे देने वाले डोनर नहीं इस्तेहसाल का शिकार है। SSP इस्लामाबाद साजिद कियानी ने बताया कि वो घरों में छापे मार सकते हैं। रजिस्टर्ड इदारों के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार सिर्फ FIA के पास है। मामले पर कानून साजी की जरूरत है। चीफ जस्टिस ने कहा, ये एक बड़ा इशू है, इदारों को मिलकर काम करना होगा। चीफ जस्टिस ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि रिपोर्ट जामे है लेकिन उस पर मजीद काम की जरूरत है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल समेत तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी करते हुए चालान जल्द पेश करने की हिदायत कर दी। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गयी।